बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केटोग्लास न्यूज़ के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। के डब्ल्यू एस न्यूज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन तहसीन फवाद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सोशल मीडिया वेबसाइट टिकटॉक पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इससे जहां नौजवान नस्ल बेराह रवि का शिकार हो रही है, वहीं ऐसी चीज़ें मजहब से दूरी का बायस भी बन रही हैं। इन खराफात की वजह से ही लाहौर जैसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर में खातून के साथ होने वाला वाकया इंतहाई गैर महज़ब और काबिले मुज़म्मत है। इंतजामिया और हुकूमत ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। ऐसा वाकया किसी और मुल्क में होता तो अब तक वज़ीर-ए-आला मुस्ताफ़ी हो चुके होते, लेकिन यहाँ हर जानब खामोशी है। लीगी खातून ने वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी करने और इस वाकये के किरदारों को कौम के सामने लाने का मुतालबा भी किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए देखते रहिए KWS न्यूज़, या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.kwsnews.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।